महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 100 दिन के अंदर जो कार्य मंत्रालय ने प्रारंभ किया है, यह महिला सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए हृदय से विभाग को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस हेल्पलाइन की जो सबसे बड़ी बात है वह कि 181 जो पहले से चली आ रही हेल्पलाइन है, 102, 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन, 1090 पुलिस हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, इनके साथ आपस में जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब तक 181 महिला जो हेल्पलाइन रेस्क्यू वैन है, ये प्रदेश के मात्र 11 जनपदों में कार्य करती थी। 64 नई रेस्क्यू वैन प्रारंभ होने से प्रदेश के सभी जनपद यानी 75 के 75 जनपद इससे आच्छादित हो जाएंगे और हर जनपद में आसानी से इस सुविधा का लाभ माताओं को, बहनों को, बेटियों को प्राप्त होगा। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में यह कार्य कर सके, इसके लिए 30 सीटर का जो इनको कॉल सेंटर था उसकी क्षमता बढ़ा करके 6 सीटर से 30 सीटर भी किया गया है। भेदभाव किस रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है? अगर वह परिवार बहुत कमजोर है तो बालिका को स्कूल नहीं भेजता है। अगर उस परिवार के पास थोड़े बहुत साधन है तो वह अपने लड़के को तो अच्छे स्कूल में भेजते हैं लेकिन बालिका को नहीं भेजते हैं। पूछते हैं बालिकाओं से, वो बेचारी कहने के लिए मजबूर होती है कि मेरे परिवार के लोग खर्चा बहन नहीं कर सकते। यानी भेदभाव की शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं और फिर हम ये उम्मीद रखते हैं कि समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। समतामूलक समाज की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक परिवार के अंदर भेदभाव की भावना को हम स्वयं समाप्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें अपने घर से प्रारंभ करनी होगी और ये जो शुरुआत है यह वही उसकी एक कड़ी है।